पूरा एड्रेस बताइए अपने गांव का। हो गए थे 70 के करीब। 70 के? हाँ 70 के हो गए थे एक वीडियो से। हाँ एक वीडियो। जब तो उनको सामने उन्होंने बोल दिया हाँ हम भी बनाया करेंगे तुम्हारी तरह। और जब हाँ जी दोस्तों, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी के हालचाल। फिर से स्वागत हो गया आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस इस समय हम हैं भरतना के आसपास के गांव में। वो गांव कौन सा है वो प्रॉपर बताएंगे। अभी भाई आए हैं हम एक ऐसे क्रिएटर से मिलने जो कि अभी तक इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे अभी वो नहीं आए हैं। तो उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे। इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोवर्स हो गए, हस्बैंड वाइफ की जोड़ी है, धमाल मचाया भाई, मिलियंस में लाइक्स जा रही हैं, व्यूज जा रहे हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इंस्टाग्राम इतना पैसा दे रहा है कि आप यूट्यूब पे नहीं है। ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। और पीछे का व्यू देखिए बहुत अच्छा, इस समय हम छत पे हैं, पीछे का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, आज बारिश नहीं हो रही है। तो फटाफट इंटरव्यू करते हैं, शाम के बज चुका है 5:30 का टाइम हो गया, घड़ी को पता नहीं क्या, हाँ 5:30 का टाइम हो गया है। तो अभी इंटरव्यू करते हैं और मिलवाते हैं आपको। जैसे थंबनेल टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि किसकी बात कर रहे हैं। तो गाइस बहुत मुश्किलों के बाद जितिन भाई साहब ने कैमरा अब चालू किया, अब इंटरव्यू करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ साकिया। भाभी जी आपका? शिवानी साकिया। थोड़ा तेज लाउडली बोली क्योंकि वहां तक आवाज नहीं जाएगी। शिवानी साकिया। शिवानी साकिया। तो आज सौरभ भाई और शिवानी भाभी का इंटरव्यू होगा और धड़ाधड़ इंटरव्यू होगा, मतलब बहुत खतरनाक। ये जोड़ी आपने इंस्टाग्राम पे देखी होगी, इंस्टाग्राम पे धमाल मचाती है। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे यूट्यूब पे भाई क्यों नहीं आए, यूट्यूब इंस्टाग्राम कितना पैसा देता है कि भाई जोड़ी वो यूट्यूब पे अभी तक नहीं आई। तो भाई हम ये सोच रहे हैं कि आप मतलब इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते, बहुत अच्छे वीडियो बनाते, यूट्यूब पे अभी तक क्यों नहीं आए, रीज़न? बस कुछ नहीं, मुझको टाइम की मतलब समस्या है, टाइम नहीं है इतना मेरे पास। तो क्या है ना कि जैसे इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं तो कम समय लगता है, थोड़ा एडिट भी जल्दी हो जाता है। और YouTube के लिए क्या है ना कि अभी मैं सोच रहा था कि 2 लाख फॉलोवर हो जाए उसके बाद बनाएंगे। अच्छा, ये आपने टारगेट रखा कि 2 लाख फॉलोवर्स हो जाएंगे, हाँ, उसके बाद YouTube ज्वाइन करेंगे। अच्छा, तो अच्छा ये जो Instagram पे रील्स बनाते हैं आप, इसको भी एडिट करते हैं? हाँ एडिट भी करते हैं और कभी कभी जब टाइम नहीं रहता है तो ऐसे भी डाल देते हैं। अच्छा, एडिट किससे करते हैं आप? बी एन से। एडिट मतलब कि कोई खास बात होती है एडिट करने में? वैसे मुझे तो नहीं ज़्यादा फर्क पड़ता है, बस वैसे क्या है थोड़ा सफाई वफाई आ जाती है वीडियो में, थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा वैसा हो जाता है, थोड़ा अच्छा लगने लगता है। क्या? अच्छा, डेली कितने वीडियो बनाते हैं आप? 2 वीडियो बनाते हैं, शाम को डालते हैं, एक सुबह डालते हैं। अच्छा, हाँ लमसम 1.5 लाख फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे इनके हैं। तो अभी आप इंस्टाग्राम पे हैं कि और भी ऐप में हैं? टिकी पे थे तो टिकी ऐप्स तो बंद हो गया, उससे हमारे 60 लमसम में फॉलोवर हो गए थे। और फेसबुक पे भी बनाते हैं तो फेसबुक पे ऐसे 9000 के करीब है फॉलोवर हमारे यहाँ फेसबुक पे। अभी यूट्यूब आपने अभी नहीं बनाया? बनाया है अभी, भैया एक आए थे अंशु जी, अच्छा, इटावा से, तो उन्होंने बोला जैसे आपने बोला कि आपने यूट्यूब पे चैनल क्यों नहीं बनाया जी, तो भैया हमने बोला तो बना दो, तो नाराज होने लगे तो मैंने बोल दिया तो उन्होंने बना दिया। अच्छा अच्छा, तो यूट्यूब जो चैनल है उसका नाम है सौरभ, का नाम सौरभ शिवानी 563। सौरभ शिवानी 563 है ना, राइट? इसी नाम से मेरा चैनल है, इसी नाम से अभी न्यू चैनल बना है तो लिंक इसी में दे दूंगा। अच्छा भाभी जी आपको कैसा लगता है वीडियो बनाने में? अच्छा लगता है। अच्छा एक बात ऐसा है, भाभी जी थोड़ा शर्मा रही हैं और जोर से बोल, थोड़ा तेज बोलिए जो वहाँ तक आवाज जाए। माइक लेके आ करो। कोई नहीं, अभी ऐसा है यूट्यूब पे अगर ये होते ना तो इतना ज्यादा नर्वस ना होता है, शर्म नहीं लगती, क्योंकि अभी ये लिपसिंग कर दिए ना, तो लिपसिंग में उतना कुछ खास होता नहीं, लिपसिंग कर दी यूट्यूब पे। तो भाभी जी कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा, तो यूट्यूब जो इंस्टाग्राम पे आप वीडियो बनाती है, कब बनाना स्टार्ट किया आपने, कितना समय हो गया इसके? हो गए 7-8 महीने। 7-8 महीने। नहीं तो आइडिया किसका था कि हमें इंस्टाग्राम रील्स बनानी चाहिए? आइडिया क्या नहीं है, इनकी दीदी बनाती है वीडियो। क्या नाम? सुलेखा जी। अच्छा, उनको तो अच्छे खासे लोग जानते हैं। सुलेखा भाभी तो भाई बहुत अच्छी फेमस है। हाँ। उनको देख के आप लोगों ने वीडियो बनाने स्टार्ट किया? तो भैया ने मुझे बोला था एक बार कि आप लोग भी बनाया करो, तो और सेम वैसे ही बनाते जैसे वो बनाते वैसे ही आप बनाते हो? बस अच्छा, तो वो तो यूट्यूब पे है आप, उन्होंने कहा नहीं कि आप यूट्यूब पे आओ? हाँ कहा था, आप बनाया है मैंने चैनल अभी, भैया बना के गए हैं। अच्छा, तो आप यूट्यूब चैनल आपने बनाया उसमें ब्लॉगिंग डालेंगे या शॉर्ट डालेंगे? शॉर्ट डालेंगे, अभी शॉर्ट पे अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे लोगों से, तो फिर ब्लॉग का भी अपना बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आपकी 1.5 लाख की फैमिली हो गई, कैसा लगता है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भैया, लोग आने लगे। हाँ जैसे आप आए हो, बहुत लोग आते हैं,
भैया आए थे, एक भैया ये पीछे खड़े हैं ये भी आए थे मिलने मेरे से, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हाँ तो मतलब ये वीडियो आप रील्स बनाते हैं तो आपको ज़्यादा मन रहता बनाने का कि भाभी जी का मन रहता? मुझे बहुत मन रहता है बनाने का, मगर इनको मनाना पड़ता है, समझ रहे? इनको शर्म लगती रहती है तो ऐसा मनाने नहीं, ऐसा है उनको भी शर्म लगती है। और हमारा कहना तो मतलब यही है, अगर आप आ रहे हो सोशल मीडिया पे पहले तो आओ नहीं, अगर आओ तो दिल खोल के काम करो, अच्छा काम करो, दिल खोल के करो, ठीक है, उसमें शर्म नहीं आनी चाहिए भाई, अच्छा काम कर रहे हैं उसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। और इतना अच्छा लोगों का प्यार मिलना तो आपको और अच्छा काम करना चाहिए, यूट्यूब पे आना चाहिए, क्योंकि जितनी भी ऑडियंस आपको देख रही है ये चाहती है कि आप यूट्यूब पे आओ, लेकिन यूट्यूब पे आपको देखने आ नहीं रही यूट्यूब पे, क्योंकि ये रियल सुनना चाहती, रियल लाइफ स्टाइल आपकी देखना चाहती कि आप सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं, वो चीज़ देखना चाहती आप, तो आप उनको दिखाइए। तो भैया हमने चैनल तो अपना बना लिया है यूट्यूब पे, सौरभ शिवानी 563 के नाम से। आप डेली एक्टिव रहेंगे? हाँ, पर डे हमारा वीडियो पड़ेगा यूट्यूब पे। अच्छा, इंस्टाग्राम पे लाइव वगैरह भी आते हैं? लाइव तो नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं जब टाइम रहता है। बिजी शेड्यूल है आपका? हाँ बहुत ज़्यादा बिजी है भाई साहब, बहुत ज़्यादा बिजी है। मतलब अभी जब आए हैं तो भाई साहब गाड़ी चला रहे थे ट्रैक्टर, तो बहुत समय निकाला भाई साहब, जल्दी जल्दी नहाए तैयार हुए, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। अच्छा ये बताइए, इंस्टाग्राम से आपको कुछ मिलता है? नहीं अभी तो नहीं मिलता है इंस्टाग्राम से कुछ नहीं, मगर लाइक वाइक इतना मिलता है मुझे, इतना बहुत अच्छा लगता है। जैसे उम्मीद करते हैं कि सबको मिलेगा तो हमको भी मिलेगा, और क्या। भाभी जी आप कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को, और वीडियो बनाती हैं आप, अच्छा लगता है आपको वीडियो बनाने में? तो क्या ऐसा भी होता है कि आप अकेले भी वीडियो को भी बनाती हैं, साथ ही बनाते हैं? साथ में डालते हैं, अकेले नहीं डालते। आपका एक ही है इंस्टाग्राम की, आपका भी अलग है? नहीं मेरी आईडी बनाई थी अभी इन्होंने। अच्छा। तो उस पे 1400-1500 शायद 2000 फॉलोवर हो गए हैं, इनके नाम से मैंने अलग आईडी बनाई है। अच्छा अच्छा। हाँ, और जो जिसपे 1.5 लाख फॉलोवर हो रखे हैं वो हमारे नाम से आईडी है, सौरभ साक्यांश। अच्छा, जो जो आपने इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह डालती हैं ये फॉलोवर्स, मतलब वीडियो रील्स वायरल हुई होंगी आपकी? हाँ। कितने कितने पहुँच गई? 5-5 बिलियन वीडियो चल गई हमारी। अच्छा, ऐसा हुआ है कि पहले दिन आपने वीडियो डाला वो वायरल हो गई? मैं पहले दिन तो नहीं, मगर ये डालते रहे हम, तो एक महीना हुआ था मुझे, तो एक महीने के बाद फिर हमारा वीडियो, मैंने वो सांप वाला वीडियो बनाया था तो मेरा वो 1 मिलियन चला था। उसमें उसके कितने फॉलोवर्स आए थे? उसमें तो हमारे ऐसे समझो ऐसे हो गए थे 70 के करीब। 70 के? हाँ 70 के हो गए थे एक वीडियो से। हाँ एक वीडियो से। फिर उसके बाद हमारी और वीडियो फिर वायरल हुई, फिर हम संदीप से लेकर घर गए थे अपने सड़वाई के। अच्छा, वो सड़वाई आपके? हाँ हमारे सड़वाई। उधर पे मेरी 2 वीडियो वायरल हुई थी, तो वहाँ से हमारी 2 वीडियो वायरल हुई थी, एक 5 लाख चली थी और एक 2 मिलियन। तो उन्होंने बताया होगा कि YouTube पे आप आइए, नहीं कहा आपके सड़वाई संदीप भैया के, भैया ये सड़वाई है उनके, तो उन्होंने बताया नहीं आपको कि YouTube पे आओ? बताया था उन्होंने, तो हमने उनको बोला था, मैंने कहा थोड़े और फॉलोवर हो जाएं भैया की, ये भैया ये सोच रहे हैं कि 2 लाख फॉलोवर्स हो जाएं उसके बाद YouTube पे आए, तो इनका भाई सपना अब तो वो टारगेट खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया, अब तो YouTube पे चैनल बना लिया है, जैसे आप आए हो ऐसे भैया आए थे इटावा से जी। तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया आप वीडियो बनाओ YouTube पे, तो हमने बोला कि आप ही मेरा चैनल बना दो, तो उन्होंने हमारा चैनल बना दिया, तो जब से हम वीडियो उस पर डालने लगे हैं। अच्छा, हाँ, अभी इंस्टाग्राम पे बोला नहीं है हमने कि भैया हमको सपोर्ट करो यूट्यूब पे। अच्छा, मगर अपना बोल के वीडियो बनाएंगे जब सबको पता लगेगा। अच्छा, आपका सपना क्या है, मतलब क्या करना चाहते हैं आगे सोशल मीडिया में, क्या करना चाहते हैं? करना क्या मुझे, मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे जैसे संदीप भाई को सभी लोग जानते हैं, हमको भी जाने, हम मतलब अपनी पहचान बनाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारी भी पहचान। आपकी बात सही है, लेकिन उसके लिए एक्टिव रहना चाहिए, मतलब भाभी जी को जो शर्माती हैं ये थोड़ा झिझक खत्म करनी चाहिए, राइट कह रहे हैं ना, क्योंकि ऐसा है कि जब हम लोग यूट्यूब पे आते हैं, और इनकी दीदी ने भी बोला था, हम आपको बताया भैया सुलेखा जी ने इनको बोला था कि देख जैसे हम वीडियो बनाते हैं, देखी सामने सामने देखो ना, अब इनको शर्म आ रही है, अब भी शर्म आ रही है, तो उन्होंने बोला था कि देख जैसे हम वीडियो बनाते हैं तुम्हारे जीजा वीडियो बनाते हैं वैसे ही बनाया करो, और क्या। तो जब तो उनको सामने उन्होंने बोल दिया हाँ हम भी बनाया करेंगे तुम्हारी तरह, और जब घर पे आ गए तो वही दशा, तो ये सब देख देख के मुझे चढ़ता है नशा, मैंने कहा लो रात भर पीसते हैं पारे में बटोर पे, तो ये थोड़ा उन्हें समझाइए, एक आध दो बार वो बनाएगी तो उम्मीद है कि मतलब जीजे खत्म हो जाएगी, राइट है। कोशिश करना कि आगे से मतलब थोड़ा ये शर्म है ये थोड़ा साइड में रख के काम करें, अच्छा काम कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है, अच्छा करो कभी गलत मत करो, लोगों के काम है कमेंट करना, हमारा काम है, हमें गांव के मोहल्ला एक कमेंट पे गौर मत करो। वीडियो बनाते हैं यहाँ पे
तो गांव वाले के रिएक्शन, क्योंकि आप गांव में रहते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो लोगों के रिएक्शन क्या रहते हैं? अरे उनका रिएक्शन तो ये होगा, ये फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं। अरे उल्टा सीधा अपने फिल्मी बन के दिखाओ ना, फिर धमाल मचा दो। इतना वीडियो अपना वायरल होता है और दो छत्तर ज्यादा वीडियो अच्छा बनाने की इतना धमाल भाई। लोगों जब एक बार तो लोग कह चुके ना आपके लिए, जो कहना था जिसे कहना था वो एक बार ही कहता है, तो अब उनको करके दिखाओ। पता है लोगों को, मतलब वो या शर्म तो होती नहीं है, जो मन में आता है बोल देता है, कहता है हाँ वो तो नौटंकी बाज है, वो तो वीडियो बना। एक बार देखो लोगों को बना रहे हैं, एक बार मैं ऑडियंस लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाई हमारी बेइज्जती मत होने, ये जो देख रहे हैं ये देख रही भगवान है, ये सपोर्ट करते हैं भगवान है, तो इनके हिसाब से आप चलो। मतलब जो लोगों ने बुराई आपकी करनी थी, जो कहना था वो कह चुके, तो आप धमाल करो ना, वीडियो बनाओ। वही तो हम इनसे कहते हैं कि खुल के वीडियो बनाया, क्या दिक्कत करने की, क्या बात है। देखो बहुत शर्म लगती है, ये जो लोग कहते हैं इनको वो करके दिखाओ, कल को ये खुद कहेंगे कि यहाँ बच्चों ने अच्छा काम किया, गांव का नाम रोशन। अभी आपके गांव को लोग कम जानते होंगे, जिस टाइम आप अच्छे खासे यूट्यूब पे वायरल होंगे, लोग अच्छा अच्छा कमेंट करेंगे, लोग मिलने आएंगे। तो जैसे अभी हम लोग आते हैं इंटरव्यू लेने हैं, तो कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा, घबराहट तो नहीं होती है? नहीं नहीं नहीं, भाभी जी के चेहरे से लगती घबराहट, क्योंकि इतनी देर में भाभी जी ज्यादा नहीं बोली, क्योंकि आप समझ रहे हैं। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अब जब आपका यूट्यूब चैनल बनेगा, अच्छा खासा ग्रो करेगा, जल्दी जल्दी करवा देना, तो भाभी जी जब बिल्कुल झिझक खत्म हो जाएगी तब इंटरव्यू लेने हम दोबारा से आएंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा होता है, हमने संदीप भैया का भी इंटरव्यू लिया था तो थोड़ी घबराहट होती है। तो हम उम्मीद तो यही करेंगे कि जब अगली बार आए तो आप लोग अच्छे से कैमरे को फेस करें। तो अभी क्या कहना चाहते, जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए क्या कर? आपको तो देख के लगता है कि आप में लट है, लेकिन मुझे तो वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है कसम से। फैमिली में आपके कौन कौन है? फैमिली में मम्मी है, पापा है, और हमारी दो दीदी है, एक भाई है छोटा। सारे लोग सपोर्ट करते हैं? हाँ, पापा मम्मी कुछ नहीं कहते कि बहू से वीडियो बनवा रहा? नहीं, फिल्मी दुनिया में खोए गो ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो तो वो फिल्मी दुनिया में खोए गो वो तो ऐसे गांव के मम्मी से कहते थे कि अरे अब नहीं कहते हैं। अच्छा, तो मम्मी ऐसा तो नहीं कि लोगों की बात सुन के थोड़ा? हाँ, पहले नाराज होती थी मेरे से, जब शुरू शुरू मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो जब तो मेरे से नाराज होती थी, कहाँ तुम वीडियो वीडियो के चक्कर में पड़ गई है, वो दुनिया भर की बातें करती थी। तो जब से लोग वहाँ मिलने आने लगे मेरे से, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मिलने आते हैं लोग, तो मैंने कहा चलो हमें भी कोई दूर दूर तक जानने वाला है, तो अब नाराज नहीं होती है मेरे से ना इसको कुछ कहती हैं। अच्छा, आप अपने गाँव का नाम बताना चाहेंगे? हाँ, मेरा गाँव का नाम है, मेरा पूरा एड्रेस बताइए अपने गाँव का, अगर आप बताना चाहते हो एड्रेस वो करना चाहते। हाँ, बताना चाहते हैं कि लोग हमसे मिलने आए। हाँ, तो अपना एड्रेस बता सकते हैं? मेरा एड्रेस है भैया, पहले तो यूपी, उसके बाद मेरा जिला पड़ता है इटावा, मेरा गांव है बाहरपुर। और बर्तना से कितनी दूर है आपका? बर्तना से मेरा 8 किलोमीटर है, बर्तना से 8 किलोमीटर गांव है, और रोड पे ही है। हाँ, ठीक है, तो अगर आप लोगों को मिलना है तो भाई साहब से मिलिए, घर पे ही रहते हैं ज़्यादातर, और नहीं तो इंस्टाग्राम से आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो तो हम देख लेंगे। और बहुत अच्छा लगा भैया साहब, अभी इंटरव्यू हम क्या ही करें, और क्योंकि इतनी ज़्यादा भाभी घबरा रही है, तो अब मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट टाइम ही इंटरव्यू करता हूँ, इनसे भी कुछ और पूछ लो सवाल यूट्यूब पे कैसे मचाएंगी धमाल। नहीं, यूट्यूब पे मचाएंगी। और भाभी हम यही कहेंगे आपसे, उम्मीद भी करेंगे कि आप आज से कल बेटर करेंगे, उम्मीद तो हमारी यही है, करेंगी? इधर देख के बोलिए, इधर थोड़ा लाउडली बोलिए, करेंगी? करेंगे। मतलब भाई साहब अब बिल्कुल पास में कैमरा मैन हमारे इतने ज्यादा भाई एक्साइटेड हैं। चलो सही है, सही है, आप चैनल बना लिया आपने, थोड़ा आप भी देखिए, इन्हें बहुत ज्यादा काम। मेरा तो फ्रेंड लोगों से यही कहना है कि हमने फ्रेंड लोग, मैंने यूट्यूब पे चैनल बना लिया है, आप लोग हम लोगों की बेइज्जती मत होने देना, ठीक है? नहीं, ये तब नहीं होने देंगे जब आप लोग इनको दिखाएंगे, मतलब बात करेंगे इनसे, इनके टच में रहेंगे, तो आप वो तो आप करते ही नहीं हो, पर्सनल आप रहेंगे, परमानेंट कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम देखेंगे ब्लॉग आपके, रील्स देखेंगे, ज्यादातर ब्लॉग देखेंगे, ब्लॉग नहीं बनाएंगे, रील्स बनाओगे? रील्स बनाएंगे, रील्स डालेंगे, कोई नहीं, जब अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आप लोग अच्छा सपोर्ट करोगे, तो हम अपना ब्लॉग का भी चैनल बनाएंगे, अपना पूरा परिचय आपको ब्लॉग में देंगे, ऐसा नहीं है। भाभी जी क्या कहना चाहते हैं? अपने चैनल का नाम बता दो, बता दो। अच्छा, अपने चैनल का नाम भाभी जी, अब बहुत ही जोर शोर से इंतजार करते हुए अब बता रहे हैं, बता दो चैनल का नाम, बता दीजिए। अच्छा, बता दो जोर से, बता बता, अभी भी लग रही है शर्म। चलो हम ही बता दे रहे हैं एक बार फिर से, सौरभ शिवानी 563 मेरा यूट्यूब चैनल है। तो फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट करो और चैनल पे जाके सब्सक्राइब करो, बिल्कुल सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और थोड़ी नहीं हिम्मत स्पेशली भाभी के लिए कमेंट करना, ठीक है? और आज का जो इंटरव्यू है ऐसा ही रहा हमारा,
क्योंकि इतना ज्यादा हमने वो नहीं कर पाया जो हम चाहते थे, लेकिन कोई नेक्स्ट टाइम बहुत ही खतरनाक होगा फिर मिलते हैं खतरनाक स्टोरी से। और तब तक के लिए चैनल को यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आप जय हिंद, जय भारत।